अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाकयात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर से टाइम दिया गया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्रवक्ता थैमर अल अली की तरफ से बताया ये गया है कि जितने भी इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं जिनको 15 मई तक टाइम दिया गया था, ये टाइम और बढ़ा दिया गया है। और कहा यह गया है कि जितने भी इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद लोग हैं उनके ऊपर जो भी फ़ाइन वगैरह है वो भरने के बाद वो अपने इकामे को रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह सकते हैं। जबकि आगे वार्निंग भी दी गई है कि अगर जो टाइम दिया गया है इस दौरान जो कुवैत के अंदर मौजूद लोग हैं वो अपना इकामा रिन्यूअल नहीं करते हैं, लीगल तरीके से कुवैत के अंदर नहीं रहते हैं, तो इस सूरत में इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद इनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसके बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि ये दोबारा कुवैत के अंदर एंट्री ना कर सकें। तो ये जो टाइम इससे पहले दिया गया था कि अगर आपके ऊपर फ़ाइन वगैरह है तो आप उसको अदा करें, उसके बाद अपना इकामा जो है वो रिन्यूअल करवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जिस तरीके से कुवैत सरकार पहले छूट देती थी उसी तरीके से अगर छूट दे दे तो लोग अपना घर भी चले जाएं, या फिर जो लोग लीगल तरीके से रहना चाहते हैं वो तमाम लोग रह भी सकें। अगर इस तरीके से इस तरीके की छूट आती है, कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर से बताएंगे। इससे पहले अपडेट आ रही थी लेकिन अभी फ़िलहाल अपडेट कोई नहीं आ रही है, अगर कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगली खबर ये है कि जो लोग इस वक्त कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं, चाहे कुवैती नागरिक हैं या फिर अजनबी हैं, तमाम लोगों से ये कहा गया है कि वो तमाम लोग जो कुवैत से जाना चाहते हैं उनको मुसाफिर एप्लीकेशन पर ख़ुद को रजिस्टर करना होगा, यानी मुसाफिर ऐप या एप्लीकेशन पर जो है वो आपको ख़ुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप कुवैत से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है एक अपडेट के मुताबिक कि जो लोग कुवैत इस वक्त आ रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया गया है कुवैत DGCA की तरफ से जिसमें बताया यह गया है कि जो अजनबी इस वक्त कुवैत आ रहे हैं अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और वो वैक्सीन लगवाई है जो कुवैत सरकार की तरफ से या कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल शुदा है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, ये चार तरह की वैक्सीन अगर कोई बंदा लगवा कर आता है तो उसको क्वारंटाइन से छूट दिया जाएगा। इस वाले से भी DGCA ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन मालूम होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।